बनाएंगे फूड केक बनाने के लिए मैंने 1 स्पून बटर डाल दिया पॉट में। अभी इसमें 20 ग्राम राइस ब्रैन ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल दिया, अभी इसको अच्छा से मिक्स करेंगे। बनाएंगे फूड केक बनाने के लिए मैंने 1 स्पून बटर डाल दिया पॉट में। अभी इसमें 20 ग्राम राइस ब्रैन ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल दिया, अभी इसको अच्छा से मिक्स करेंगे। देखिए बटर और शुगर मिक्स हो चुका है ऑलरेडी। 5 मिनट मैंने ये बीटर से बीट किया। अभी इसमें एग डालेंगे, 3 एग डाल दिया मैंने। अब इसको अच्छे से ही बैटर को बीट करेंगे। देखिए बीटर से मैंने बीट कर लिया एग एंड शुगर। पूरा शुगर तो मैंने डाला नहीं, अभी शुगर डालेंगे इसमें। ऐसे शुगर मिक्स करते रहेंगे धीरे धीरे। देखिए पूरा शुगर मैंने एक साथ मिक्स कर दिया। मैदा के साथ मैंने 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया और 1/2 टेबल स्पून से भी आधा बेकिंग सोडा मैंने डाल दिया। अभी धीरे धीरे मैदा को मिक्स करेंगे एक का साथ। पूरा मैदा मैंने डाल दिया, अभी थोड़ा सा मिल्क डालेंगे तो अभी अच्छा से मिक्स करेंगे। मिल्क मिक्स किया, थोड़ा सा मिक्स अभी भी बाकी है। इसका साथ ड्राई फ्रूट डालेंगे, किशमिश केरी एंड काजू। अभी अच्छा से मिक्स करेंगे, मिक्स करके बैटर तैयार करेंगे केक बनाने के लिए। अभी थोड़ा सा वैनिला एसेंस डालेंगे 1/2 स्पून। डालिया वैनिला एसेंस, अच्छा से मिक्स करेंगे। अभी अच्छा से मिक्स करेंगे। देखिए मिक्स तो बैटर का मिक्स तो पूरा रेडी है। कंटेनर लिया, कंटेनर के ऊपर ऑयल डाल दिया मैंने। अभी थोड़ा सा इसमें मैदा डालेंगे। मैदा डाल दिया मैंने क्योंकि मैदा डालने के कारण केक निकालने में आसान होगा। अभी ये बैटर डाल देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा किशमिश काजू एंड चेरी डाल देंगे। ऐसे रहसा ही पैक करेंगे इसको 2 मिनट और इसको हम रेयर है तो निकाल देंगे। ठीक है, पूरा टैप कर लिया मैंने। अभी बैटर पूरा रेडी है, अभी इसको ओवन में डालेंगे। देखिए पैन गर्म हो रहा है, पैन के ऊपर मैंने नमक डाल दिया। आज पहली बार इस्तेमाल कर रही हूँ ये नमक, इसीलिए ये नमक का कलर व्हाइट है अभी तक। ये नमक के ऊपर अभी एक स्टैंड डालेंगे। डाल दिया स्टैंड नमक के ऊपर, मैंने डबल स्टैंड डाल दिया क्योंकि जो पैन डालेंगे ये नमक से टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, नमक डाल दिया मैंने। पैन बहुत गर्म है, अब इस पैन का अंदर ये बैटर का पैन डाल देंगे। डाल दिया बैटर का पैन, अभी बोथ साइड से कवर करेंगे। ये जो पॉट है इसको भी कवर कर देंगे, इसको भी कवर कर देंगे। अभी लो फ्लेम में ये 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे होने के लिए 50 मिनट का बाद। अभी देखिए केक का हाल क्या है।
देखिए 50 मिनट का बाद, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी बाकी है थोड़ा सा, तो फिर मैं कवर कर देंगे जैसे पहले था वैसे ही। फिर कवर कर दिया मैंने और भी 15 से 20 मिनट के लिए। 1 घंटा 10 मिनट हो चुका है, अभी केक निकाल लूंगी। देखिए केक पूरा तैयार है और कलर भी हो चुका है, टूथपिक से भी चेक कर लेंगे। देखिए ये पूरा ड्राई हो चुका है, इसका मतलब हो चुका है केक पूरा तैयार। देखिए फूड केक पूरा तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आप चैनल में अगर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें।